जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अस्सलाम और बिलाल, बिल्लू भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई जो हैं वो उमर भाई जो है 500 फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, समझते हैं 500 टाइम्स आया होगा और बिलाल भाई बना चुके हैं। तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे, देखेंगे कि हम के एक दूसरे को कन्विंस करेंगे कि भाई क्या फायदा और क्या नुकसान। जी तो आप क्यों नहीं बनाना चाहते? मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता कि एक तो सोशल नहीं हूँ और दूसरा कि जरूरी नहीं है कि वो मेरी हेल्प भी करे, तो ये वजह भी हो सकती है। चलिए और इस पे रहते हैं। पहला उन्होंने कहा कि मैं सोशल नहीं हूँ, आप इसका क्या जवाब देंगे? ये सोशल है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये सोशल नहीं है, ये नहीं, घर में चुपके बैठे रहते हैं। ये फेसबुक आपके पे कितने भी दोस्त हैं? मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, जो सोशल नहीं है वो कैसा होता, क्या होता, तो मतलब क्या होता है ये सोशल नहीं है? सोशल सोशल से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है वो घर से बाहर नहीं निकलता, घूमता नहीं है। हाँ, ये होता है कि वो हर किसी से नहीं मिलता इतने आराम से, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों में इन्वॉल्व होने में, और बहुत ज़्यादा हर किसी को एक्सेप्ट इतने आराम से नहीं कर लेता, टाइम लगता है उसको। कितना तो टाइम ये लगता सब है? हो सकता है कि 5-10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इतनी जल्दी आराम से दोस्ती नहीं जाती लोगों से। बेगम से कितने दिन लगे? जी ओवरनाइट? क्योंकि दोस्ती करना चाहते थे ना, नहीं या 50 दिन लगाए? नहीं तो जल्दी हो हाँ, गया। जल्दी जाती है तो बेगम है ना, विराट को सही। अच्छा विराट, जी तो सर क्या आप इनको कहेंगे कि 500 लोग ऐड ना करें या करें? बिल्कुल करें सर, क्यों करें? वो उधर है क्योंकि ना। एक तो पहला जो फायदा कि आपने जैसे कहा कि आप सोशल नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब आपका फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, आप उतनी जल्दी किसी को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। बंदा कन्विंस तभी करता है तब माइंड मैच होता है, और जरूरी नहीं कि जो आपके शौक का है उसके साथ आपका माइंड मैच हो। हर किसी की अपनी हॉबीज है, हर किसी का अपना एक वे ऑफ लिविंग है, तो सही है आप दूसरों की सुनो, अपनी उसको बताओ, कहीं ना कहीं आप कहां जाके आपका 100 में से कहीं 10 का तो बनेगा ना, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा। मान लिया कि आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो किसी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं और कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेकिन हम 500 नॉन पाकिस्तानी दोस्तों की बात कर रहे हैं, जो कि आपने भी नहीं बनाए। मैंने बना लिया सर, 500 नॉन पाकिस्तानी? देर आर मोर देन थ्री नहीं नहीं हंड्रेड नहीं नहीं 500 नॉन पाकिस्तानी की बात हो रही है यहाँ पे। आई थिंक दे विल इन्होंने तो हेल्प, अभी तक मेरे ख्याल 50 भी नहीं बनाए मुझे। 500 तो खैर क्या बनाएंगे। लेकिन मैंने ओवरऑल 500 से ज्यादा बना चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपाइंस, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, इतना ही याद है फिलहाल। सही, चलें तो आगे चलते हैं। तो अच्छा, एक तो चीज ये हो गई, नहीं नहीं ये दूसरी बता रहे थे ना आपको, हाँ, फायदे क्या हैं जो 500 फ्रेंड्स बनाने के। सारे एक फायदे नहीं बताए तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। एक एक बात को आर्ग्यू करें ना आप। सोशल की बात होगी ना, तो देखें अब उसके अंदर ये है कि ऐसा नहीं कि लोगों से नहीं मिलते, लोगों से मिलते हैं। एक होती है फ्रेंडशिप क्रिएट करना, बिल्कुल ठीक है ना, उनसे वो चीज नहीं होती जो नॉन सोशल लोग होते हैं, मिलते हैं अगर कहीं किसी इवेंट में गए हैं या किसी के जरिए मुलाकात हो गई है तो मिलते हैं, जब मुलाकात होती है। यहाँ ये है कि काम की बात होती है, देन क्लोजअप। अच्छा, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया पे आने से कतराते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल होता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो बंदा कहता है कि यार एक माइंड सेट है लोगों का कि यार मैंने सोशल मीडिया पे नहीं आना क्योंकि मैं सोशल नहीं हूँ। कि सोशल मीडिया पे तो वो लोग हैं ना, हम तो अभी म्यूचुअल फ्रेंड की बात कर रहे हैं बनाने की। हम तो अच्छा अभी उसकी हाँ, बात नहीं कर रहे, हम तो बात क्या कर रहे हैं कि भाई आप 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाना नहीं चाहते, वो बना चुके, उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ ये देखना है हमें तो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने एक तो एक्सपीरियंस नहीं किया बनाने का, और अगर मैंने कुछ नहीं वो ऐड भी किए तो इसीलिए नहीं हैं कहना कि आप कन्विंस नहीं है कि इसका कोई फायदा होगा। या जिस दिन आप कन्विंस हो गए तो आप कर लेंगे। यस आप कन्विंस नहीं है, उन्होंने ओबीडियंस में किया, आप ओबीडियंस में नहीं जाना चाहते, आगे थे रहन भाई, क्या रहन भाई बोलते रहे बोलते रहे। उसने कहा भाई रहन भाई ने बोला है मुझे बनाने, मजबूरी है। दो ऑप्शन है ना, लैपटॉप वॉज अ बेट, बेट, मजबूरी कि भाई ये दे रहा हूं मैं बना लो। उसका असल मकसद तो लैपटॉप देना नहीं था, या डिग्री देना, उसका मकसद क्या होता है? पढ़ाना होता है ना। पढ़ाना मकसद होता तो है ये होता है कि तुम अगर पास हो गए तो ये डिग्री मिलेगी, नहीं हो गए तो नहीं होगी। लोग लेकिन डिग्री के लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, मकसद गलत कर लेते हैं ना। तो अब हमारा मकसद तो कुछ और था। अब आप हम ये देख रहे हैं कि इनको कोई फायदा भी हुआ उसका या कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा बिल्कुल हुआ,
फायदा इस सेंस में हुआ कि जैसे जो आपका माइंडसेट है, मतलब कुछ भी आप एक्स वाई जेड आपका कोई ना कोई गोल है, तो आप जब अपने लोगों से मतलब ये नहीं कि आपका जो फ्रेंड है या आपका जिससे माइंड में छुट्टा, आप उससे से बात करो, आप एक्स वाई जेड किसी को भी ले लो और आप उसको उसके बारे में जानो कि भाई उससे बारे में पूछो कि भाई आप क्या करते हो और अपने बारे में बताओ कि आपका गोल क्या है, आप क्या करते हो, तो ये एक कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है सोशल होने का। मतलब सोशल तो आप उसमें हो ही गए, लेकिन गोल अचीव करने में ये फायदा करता है। तो मैं आपको बताऊं कि इनको क्या फायदा हुआ है। जी बताए। आप इनको देख रहे थे, ये मेरे से नोट्स ले रहे थे, बात कर रहे थे, जी मैं बात पूरी कर रहा था तो इनको बात समझ में आ रही थी, या ये कह रहे थे नहीं मुझे समझ नहीं आई। हाँ, क्या करता है। तो मुझे बात समझाना इनको आसान हो गई या मुश्किल हो गई? हाँ, आसान है भाई, मेरा काम आसान हो गया मुश्किल हो गया? आसान है भाई, तो अगर आप स्मार्ट लोगों के साथ काम करेंगे तो आपका काम आसान होगा मुश्किल हो जाएगा? आसान है यार। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये होता है ऐड कराने का कि मेरी बात इनको आराम से समझ में आ गई। वो इसलिए कि इनकी सोशल फीट चेंज हो गई। आपने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि मैं तो खोल में बन लूं, तो खोल को बड़ा कर लें। इन्होंने खोल को बड़ा कर लिया। जब इनकी सोशल फीड आती है तो उसमें फिलिपीन की फीड भी आती है, चाइना की, पता नहीं क्या, दुनिया जहां की फीड आती है। तो उस फीड से क्या होता है, उसमें नवाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं होता, उसमें सिंध का कोई जिक्र नहीं होता, उसके अंदर ग्लोबल इश्यूज नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही जी सर, बिल्कुल। तो जबकि आपके फीड में आपको अपने मोहल्ले वाले के, अपने रिश्तेदारों के वही चे वाले प्रॉब्लम जो सबको आ रहे हैं वही आपको भी नजर आ रहे हैं, तो आपका दिमाग उन्हीं में उलझा रहता है। जबकि इनका दिमाग उनमें नहीं उलझा हुआ है, इनका दिमाग डिफरेंट चीजों में उलझा हुआ है, जिस तरह के मेरा उलझा हुआ है। तो अब दोनों की उलझन कॉमन हुई तो उनको बात आराम से समझ में आ गई। सही ये है। वजह होती है, मिसाल के तौर पर हम शादी का रिश्ता करते हैं तो क्या क्या ढूंढते हैं जाके उसमें? कॉमनैलिटी ढूंढते हैं कि इनका फैमिली कैसी है, इनका घर का रखा रखाव कैसा है, ये घर इसके भाई बहन क्या करते हैं। उससे क्या पता चलता है कि हमारे और उनके मैच हो जाए, मैच ऐसा ना हो कि वो यहाँ आके मिसफिट हो जाए। इसी तरह जब आप इनके साथ काम करते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमारे माशरे में कि वो डिफरेंट क्लासेस से आ रहे होते हैं। एक मेहमान होगा, एक कुछ और होगा, एक दिल्ली वाला होगा, एक चिन्योटी होगा, एक पठान होगा। अब वो सब की तरबियत जो है वो उसी क्लास में हो रही होती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जो उसके 5 फ्रेंड हैं वो उसको बना रहे होते हैं। लेकिन जब हमने उनको ग्लोबल फ्रेंड दे दिया, आपने कहा मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, जब आपके ग्लोबल फ्रेंड्स हो गए, आप वर्ल्ड ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं? एक्सपोजर के लिए करना एक्सपोजर चाहते हैं ना। के आपको वही एक्सपोजर सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है बगैर कॉस्ट के। मेरा ये बिलीफ है और मेरा ये क्या ना चाहिए एनालिसिस है, जो मेरे जो एक्सपेरिमेंट किया कि जो आदमी 500 मेरे नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड कॉपी कर ले और उनसे 10-10 मिनट बात कर ले तो उसका एक्सपोजर ऐसा हो जाता है जैसे कि वो 10 मुल्कों का सफर करके आया। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक इवेना जोन्स नाम की हैं, वो ईरान में रहती हैं, वो मैं उनसे अलग मतलब इंटरेक्शन मेरा उनसे रहता है, तो मैं उन्हें सारे अपने कराची की और पूरे पाकिस्तान की जो हमारी ब्यूटी में उनकी तस्वीर, हमारी तस्वीर उनको दिखाता हूँ, और वो अपनी ज्यादातर तस्वीरें वो मुझे दिखाती हैं, तो बहुत अच्छा आदत और ऐसा एनवायरमेंट मैंने क्रिएट कर दिया कि वी आर मोर ब्यूटिफुल देन उनकी कंट्री से, और वो हमारे वहां आना चाहती हैं, और जिनसे मैं फ्रेंड को मैं बात करता हूँ, मैं इतना कन्विंस कर लेता हूँ कि आप बस यहाँ आ जाए और यहाँ आके देखें, वी आर समथिंग न्यू। जबकि आप अभी तक मुल्क से खुद भी बाहर नहीं गए, बिल्कुल, मैं इस्लामा से आगे नहीं गया। आप सलामत गए? सलामत नहीं गए थे, आप जा रहे थे ना हनीमून पे? हाँ, मैं नहीं कहता, लेकिन जाने का है यार, कुछ दिन। आपको तो बल्कि वो भी दिलवाया था पैकेज। हाँ, वो नहीं हुआ करेगा, पहले से आपने कहा था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम थी घर में, तो वो नहीं जा पाया था। कैश ले लिए थे? नहीं नहीं गया था, कैंसिल हो गया था। आई गई बेटी, बात मुझे भेजेंगे तो मैं चले जाऊंगा। अभी तुम बड़े हो जाओ, शादी करेंगे हनीमून, उसके बाद अभी तो मनी को लेकर ढाणी ढूंढो, उसके बाद मनी के बता जी। तो कन्विंस करें ना उसको, ये कन्विंस नहीं हो रहे। सर, जैसे मैंने भी आपको छोटी सी मिसाल दी ना, जैसे आप, नहीं इनको तो कोई फायदा नहीं हो ना, इवाना जो पाकिस्तान आएंगी तो इनको क्या, इनको कितने पैसे नहीं, आई एम जस्ट मिलेंगे? टेलिंग हिम कि जैसे मैंने इधर बैठे बैठे मैंने उनकी जगह देख ली, जैसे मुझे ना उनकी जगह का नाम पता था कि भाई कौन कौन सी जगह है वहाँ मशहूर है, कहाँ बर्फबारी होती है, कहाँ गर्मी है, कहाँ कैसा मौसम है, तो वो मुझे उनसे इंटरेक्ट करने के थ्रू पता लग गया कि हाँ भाई उधर ऐसी सी जगह उससे है। फायदा क्या हुआ?
उसे ये है, मैंने बगैर गूगल किए मैंने उनसे डायरेक्ट बातचीत की और तो मैंने गूगल भी तो रिप्लाई कर भी सकते किया, थे, तो कर सकता था लेकिन वैसे समझ नहीं मैसेज पाता देख है। रहे थे गूगल पे, रात की तुम रस्सी मिल जाती लेकिन किसी उससे से अच्छे बात अच्छे करें तो ना वो आपको ऐसा बताएगा ना, हमेशा आप किसी से भी बात करोगे ना तो वो आपको अपनी जगह ऐसी बताएगा ना कि वी आर मतलब देखो मैं फैबुलस। आपको अच्छा इसका, मैं आपको समझा देता हूँ दोनों में फर्क क्या है। जब आप किसी एक इंसान से, जब आप अपनी बेगम से कोई बात सुनेंगे तो आपको उसमें सुरूर मिलेगा, और आप किसी की वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें वो सुरूर नहीं मिलेगा। सुरूर क्या होता है? अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है लगता उसको, केमिकल उसका क्या है, केमिकल। एक केमिकल रिलीज होता है आपकी हाँ बॉडी में, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ठीक सही है, है। जब आप किसी को हक करते हैं, खड़े हो हक करें, आंखें बंद करके कीजिएगा, नहीं हक करें, ये ऐसे थोड़ी नकली हक, 1 मिनट हक, 1 मिनट हक, नहीं नहीं लेंगे थकेंगे, लगे ना सीना तो मिलाओ, ये दबाने की नहीं हो रही, प्यार से अच्छा मोहब्बत से, आंखें बंद करो, सांस गहरा लो, अब आके बैठो, अभी बताओ कैसा महसूस हो रहा है। रिलैक्स। तो जो चीज रिलैक्स करती है वो क्या कहती है, लाती है ऑक्सीटोसिन। आपके दिमाग ऑक्सीटोसिन ने आपके जिस्म में एक केमिकल रिलीज किया है अभी, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से आप काम कर अच्छा पा रहे फील हैं। कर रहे हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप खुद ब खुद आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। अगर आप गंदा फील करो, आप बुखार में हो अभी, तो आप कहेंगे मुझे घर जाना है, बस किसी तरह से मैं यहाँ से भाग जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज चाहिए, अच्छा फील करना। अगर हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम हर चीज हमें बेजार लग रही होगी। तो आपके जो फ्रेंड हैं, जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आप वो लाइक का बटन दबाते हैं, तो आप क्या फील करते हैं, अच्छा फील होता है। अच्छा फील हो रहा है। वो ऐसा ही है जैसे किसी ने आपके बैक पे थप्पी मार दी, तो वो आपको अच्छा फील कराते हैं। तो जब आपके चारों तरफ अच्छे दोस्त होंगे तो आपको हर वक्त कैसा फील हो रहा होगा, अच्छा फील हो रहा है। तो अगर आप हर वक्त अच्छा फील कर रहे हो, सुरूर में हो, तो उससे ज्यादा आपको क्या चीज चाहिए कि हर वक्त दिमाग आपको मुफ्त में सुरूर ड्रग्स दिए चला रहा है, ड्रग्स दिए चला रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस, ऑक्सी क्या होता है ना, ऑक्सीटोसिन, यू कैन ऑक्सीटोसिन गूगल, रिलीज हो इट्स जाएगा। कॉल्ड द लव हार्मोन। ठीक है, आपको हर वक्त वो देता है। और इसी तरह कोर्टिजोन है, वो आपको स्ट्रेस में हर वक्त दिमाग के में आकर, वो अच्छा आपको स्ट्रेस हार्मोन है। आपको जब स्ट्रेस होगा तो आपके जिस्म में कोर्टिजोन आएगी, आपकी अटेंशन तेज हो जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाता है, दैट्स व्हाट दैट केमिकल। सो वी आर नथिंग बट मशीन्स। तो हमारे पास सिग्नल रिलीज होता है ना, तो वो सिग्नल जो है वो आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, आप अच्छा फील करते हैं, जब अच्छा फील करते हैं तो आप अच्छा हो जाते हैं। तो आपके जो नए दोस्त आपको मिलेंगे जब आप दुनिया भर का सफर करेंगे, तो आपको क्या फील होगा, अच्छा अच्छा फील फील होगा। हो जब रहा आप है। नई चीजें सीखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, हर चीज आपको ऑक्सीटोसिन दे रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसी की, आप अगर जब आप टेक टॉक पढ़ेंगे तो उसमें साबित किया है उसने कि सोशल मीडिया गिव्स यू ऑक्सीटोसिन, बिकॉज दीज पीपल आर लाइकिंग यू, दीज पीपल आर शेयरिंग यू, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपके पास वो सर्कल चेंज हो गया, जो नेगेटिव सर्कल था, अब आपके पास वो पॉजिटिव सर्कल आ गया जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा है, हर चीज में आपको सपोर्ट करता है। वो मॉरल सपोर्ट से ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए होती इंसान को। मिसाल के तौर पे आपके वालदैन आपको सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं, नानी नाना दादा दादी सबसे अच्छा जो देते हैं वो कहते हैं शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, बस उनको कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, या वो क्या आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा मैंने ये ना ऐसा जबरदस्त वेबसाइट बनाई है, उसमें ना API होती है और XML के जरिए ना ये हो जाता है, उनको कुछ समझ में आया, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, शाबाश बेटा, अच्छा गुड जॉब, अच्छा आई एम प्राउड ऑफ यू, बस। आप कैसा फील करते हैं ना, मेरी नानी जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो आप क्या कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क से भी हासिल कर सकते हैं। जब आप वहां पोस्ट करते हैं और कोई लिखता है कि यू आर ग्रेट, तो आप $1 बिलियन फील करते हैं। ये जो केमिकल है ना, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपको $1 बिलियन देके भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो जब हमें मोहब्बत मिलती है, कॉस्ट नहीं लगा सकते, तो आपको मुफ्त में मोहब्बत बांट रहे हैं, आप ले नहीं रहे। और एक और बात मैं काटूंगा आपकी, जैसे आपने मैंने आपको बताया कि मेरी वो फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई ये जगह हमारे पास है, तो आपने बोला कि गूगल कर लेते, अगर मैं उस जगह जाता तो मुझे गूगल बुलाता या गूगल मुझे वेलकम करता कि यू आर मोस्ट वेलकम टू माई प्लेस, वो तो करते ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सही ये तो जाने आने का हो गया ना, जो सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है, आपका विजन एक्सपैंड होता है, आपको तरीकेकार पता चलता है। आप जब वो रोटी देखते हैं जो वो खाती है,
तो वो रोटी आप अपनी बेगम को दिखा दो यार, यार ये वाली पका के तो देखो, उसको गूगल करके देखो, उसकी रेसिपी निकाल ले, देखो ट्राई करते हैं आज कैसे। फिर आप वो फोटो उसको दिखाते हैं, यार तुम्हारी वजह से हमने बनाई, तो क्या हुआ, फिर दोनों साइड पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होते, फिर दोनों बहुत खुश होते, तो कहते यार ये तो बात पक्का है। अब जब आपका एक बहुत पक्का दोस्त मिल गया ना ईरान, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आप वहां चले जाएंगे, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। पैसे जब आते हैं अल्लाह मियां जब देते हैं, जब इंसान को जरूरत होती है, फालतू में नहीं देते, और फालतू जरूरत के लिए भी नहीं देते। आए यार बस मेरे पास पैसा है ना, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ आपको आपको अंदर से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा मुझे दुनिया में लोगों से मिलना है ना, आप खुद ही कह रहे हैं मैं लिंक्डइन पे जाके इंक्वायरी नहीं करता। अभी तो कैसे मिलेंगे, कोई फरिश्ता आएगा तुम्हें मिलाने के लिए? तो यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल्स एंड अदर पीपल गाइड यू फॉर योर गोल्स। यू नीड मॉरल सपोर्ट फॉर योर गोल्स, यू डोंट जस्ट नीड द गोल्स, यू ऑल्सो नीड सपोर्ट फॉर योर गोल्स। इमरान खान अगर खड़ा हो, जलसा है, एक भी नहीं सुन रहा, तुम्हारे ख्याल में वही बातें करेगा जो अभी कर रहा है? कर ही नहीं सकता, हो गया यार कुल्लू का पट्टा, कोई सुनने ही नहीं आया। ऐसी बात है। और आगे 1 लाख आदमी खड़ा हो और वो उल्टी सीधी बातें कर रहा हो और लोग सब तालियां बजा रहे हो, तो वो क्या कहेगा, और उल्टी सीधी बातें कर सकता हूँ मैं, तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, अब कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ लोग हैं। तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में आपको सपोर्ट करने के लिए। जब तक आपके पास सोशल ग्रुप ना हो, आप किसी काम में बहुत अच्छे क्यों ना हो, आप कह जी मैं एक, आप खड़े हो जाए कल उमेर हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उमेर की अम्मी का क्या नाम शाकिरा हॉस्पिटल बनाना चाहता है, शाकिरा हॉस्पिटल और शौकत खानम में से कितनों को ज्यादा फर्क पैसे मिलेंगे? इसलिए कि शौकत खानम को क्रेडिबिलिटी मिल गई, उसने 20 साल लगाए ना, वो क्रेडिबिलिटी हासिल की। पहला हॉस्पिटल 10 साल में बनाया, दूसरा 2 साल में बना लिया, कैसे? इसलिए क्रेडिबिलिटी आ गई। ग्रुप था उसके पास, सोशल सर्कल था उसके पास, नेटवर्क था उसके पास, वो नेटवर्क ही मैं आपसे कह रहा हूँ ले लो अल्लाह के वास्ते नेटवर्क, ले लो अल्लाह के वास्ते नेटवर्क, ले लो, कोई ले नहीं, हम भी ले लिया, आपने ले लिया, लेकिन वो भी अधूरा, पूरा करें उसको, हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर तो आपके तमाम गोल्स में आपको पहुंचाने में वो मदद करेंगे, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अपने पास ला रहे हैं जो बिल्कुल आपसे रेलिवेंट नहीं है, तो उनसे आपको कोई गर्ज भी नहीं है, वो आपको बेगर्ज होके देंगे। एक आदमी चीचावादनी में रहता है और एक आदमी खटमंडू में रहता है और एक आदमी युगांडा में किसी शहर में रहता है, वो आपको एक मशवरा दे रहा है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं कर रहा, वो आपको दे रहा है, फिर भी आप वो ले रहे हैं। दीदार शेख दुनिया में सब जगह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलता रहता है, पता नहीं दुनिया के किस किस कोने को वो वेरी गुड बोलता रहता है, तो वो उनको दे रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न, लेकिन उसको फील गुड हो रहा है और आगे वाला फील गुड कर रहा है। एक का मैसेज आया, दीदार शेख को तोहफा भिजवाना है, क्या करूं, कोई तरीका बताओ। अमेरिका से आया यार, ये खातून ने कहा ये दीदार शेख बहुत अच्छा इंसान है, मुझे उसको तोहफा भिजवाना, क्या करता है वो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना बड़ा काम है वेरी गुड बोलना कि कोई हमारे अंदर अच्छा वेरी गुड ही नहीं निकलता। आपको आपके बॉसेस हर वक्त वेरी गुड बोलते रहे तो आप क्या फील करेंगे? अच्छा भी जाएगा। और नहीं के बोल देते तो क्या होता है, अब यार कुछ भी कर लो सारा, कुछ शुक्र ही नहीं होता यार, ऐसे ही होता है ना। सो यू नीड दैट नेटवर्क, क्योंकि आपका डोंगा खाली है मोहब्बत का, मेजोरिटी कौम का डोंगा खाली है मोहब्बत का, कोई नहीं देता, सबके डोंगे खाली, ना माँ बाप किसी को शुक्रिया नहीं बोलते, प्यार नहीं बोल देते, देते हैं खामोशी से देते हैं, लेकिन खामोशी से भी देना है और भूल के भी देना है। इस तरह ज़दका है, हम खामोशी से भी देने के हुक्म है और दिखा के देने का भी, दूसरों को तरगीब मिले। हम ये क्यों दिखा के कर रहे हैं दूसरों को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि दूसरों को तरगीब मिले। 81 लोग और भी देख रहे हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाएं कि भाई उमेर को कनेक्ट करें। जब आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपकी वर्थ भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सही सही कह रहे हैं, आई कैन नोस। और क्यों नहीं ऐड करना चाहते, और अगला निकालें इसमें? एक तो यही था, और दूसरा कि मैं फेसबुक बहुत ज्यादा यूज नहीं करता था, तो मैंने कहा ऐड करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं ऐड यूज करने की फेसबुक, मैं किसी को भी नहीं कहता फेसबुक यूज करो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने नेटवर्क में लोगों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद अपनी जिंदगी उनके साथ शेयर करना शुरू करो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, शेयर दबा दो, देखते हो ना वीडियो ये नहीं देखते, खाना खाते हो शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम है उसमें? कितने सेकंड लग जाएंगे? अगर तुम्हारे नेटवर्क में 500 गैर पाकिस्तानी है और तुमने आलू साला नाच का शेयर कर दिया, तो वो कहेंगे यार ये क्या चीज़ है भाई, सारों ने जिंदगी में कोई आलू साला नहीं खाया
हैं, तुम कल जाके छोले खाओगे तो कहोगे ये छोले की दुकान है जबरदस्त, आप भी आके खा लीजिएगा। अपनी दोस्तों को बताते ही हो ना अभी भी, यार मैं वहां गया था छोले खाने बड़े मजे के थे, तू भी ट्राई करना। वही चीज आप पब्लिकली बोल रहे हो, उसमें टाइम फेसबुक यूज करने का क्या काम है? शेयर कर रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी दूसरों को मेंटोर कर रहे हो, दूसरों को फायदा दे रहे हो अपने हाथ से। तुमको अगर तुमको कोई हारे हाथ से फायदा होता है तो तुमको कोई नुकसान है? अगर तुमको हफ्ते में एक दफा एक युगांडा की नई डिश नजर आए, तुमको यार क्या डिश है ये, तो अजीब गरीब कभी चीज ही नहीं देखी, खुश हो गए नाराज हो गए? मैं खुश हो गए तो दूसरा भी जो गांडा वाले ने भी कभी आलू सालन नहीं देखा तो वो खुश होगा ना, नाराज थोड़ी होगा। लेकिन तुम्हारे सर्कल में सारे सिर्फ आलू सालन खाने वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, अबे साले आलू सालन अकेले अकेले खा रहे। सो यू हैव टू चेंज योर नेटवर्क बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो आप अपने आलू सालन से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग सफर करके लाहौर जाओगे अगर, तो भज्जे के पाए खाने जाओगे? क्यों? फेमस है, फेमस है। फेमस साले के पाए तुम्हारे घर वाले से भी खराब होंगे लेकिन जाना है फज्जे के पाए खाने। इसी तरह अगर तुमने कभी लाहौर गए नहीं हो लेकिन फज्जे के पाए मालूम है, इसी तरह वो जो तुम्हारा युगांडा का दोस्त है जब पाकिस्तान आएगा तो सबसे पहले कहेगा भाई आलू सालन कहाँ मिलता है, आलू सालन खिलाओ। राइट, बनता तुम एक फिर एक नया बिजनेस क्रिएट होगा, आलू सालन की दुकान खुलेगी। सो दिस इज वाई शेयरिंग योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक राइटिंग अ बुक और राइटिंग अ बायोग्राफी। किसी की बायोग्राफी क्यों पढ़ते हैं? उसके बारे में क्या किया है उसने, क्या उसके अचीवमेंट अगर है। मुझको एक अच्छी बायोग्राफी किसी पान वाले की दुकान की मिले तो मैं तो बहुत खुशी से देखूंगा, पढ़ूंगा। मैं अगर उसकी पान वाले की जिंदगी की फिल्म मिल जाए मैं वो बहुत गौर से दूंगा। मैं क्योंकि मैं पान वाला कभी नहीं रहा। तो तुम एक प्रोग्रामर हो और एक पान वाला एक प्रोग्रामर की जिंदगी से इंस्पायर होना चाहता है तो तुमको क्या तकलीफ है? तुमने क्योंकि चारों तरफ सिर्फ प्रोग्रामर रखे हो, कहते साला ये तो मैं रोज देखता हूँ, कुछ नई चीज दिखा भाई। तो सर्कल बदल लो ना। दो तरह के लोग चाहिए होते हैं, एक सिखाने वाले दूसरा सीखने सीखने वाले। अगर तुम सिखाओगे नहीं जो तुम्हें आता है तो तुम्हारा डोंगा भरा रहेगा, उसमें कैपेसिटी नहीं होगी। अगर तुम सिखा दोगे तो तुम्हारी वायरिंग अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिजिकल कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ जाएगी और तुम ज्यादा चीजें अंदर रख सकोगे क्योंकि तुमने सिखा दिया ना एक चीज, तुमने वीडियो बना के सिखा दी। अब तुम अगली दफा सिखाओगे थोड़ी कहोगे यार मैंने वीडियो भेज रहा हूँ देख के मुझे कॉल कर लीजिए, सही। या वही कहोगे फिर बार 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 तुम्हें मजा आता है वही चीज करने में? मुझे तो मुझसे तो कोई कनपट्टी में बंदूक रख दे किसी ने, ऐसा लगता है कि बार बार वही बात पूछ रहा हूँ। वीडियो देख ये वीडियो भेज रहा हूँ मैं, ये देख के मुझे कॉल कर लो जरा, हो सकता है उसके अंदर ऐसी चीज हो जो कि, अब कॉल करेगा तो क्या होगा, वो तुमसे ऐसे सवाल करेगा जो तुमने भी नहीं सोचे होंगे क्योंकि उसकी वायरिंग और तुम्हारी वायरिंग फर्क है। तो हम इसको कलेक्टिव लर्निंग कहते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आप कलेक्टिव लर्निंग करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स नजर आती हैं, तो आपको अपने अंदर क्या पैदा करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करनी पड़ेगी कि आप अपनी मिस्टेक्स दूसरों से सुन सकें, गालियां उसकी खा सकें। जब आप उसकी गाली खाएंगे तो उसके अंदर विजडम आप देखेंगे कि उसको क्या ऐसी चीज नजर आ रही है जो आपको नजर नहीं आ रही, सही है। और उस वही तो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते कभी भी, ना ही आप अपने प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो जब आप दूसरों से पूछते हैं, जब आपके दैनिक पे कोई आए और आपसे पूछे सर आप आए तो हैं, जाते जाते एक मशवरा देते जाइए, हम यहाँ पे एक ऐसा क्या चीज करें कि आप नेक्स्ट टाइम बहुत खुशी से आए, ये सवाल होना चाहिए। वो आपको वो चीज बताएगा आप क्योंकि और ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा चाहे आपको पता भी हो ये पहले से, आपने यही बोलना है उसको यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आपने वो पहले सुनी है तो आप ये कभी भी उसको ना बोले ये तो मुझे पहले से पता है, उसको बोले सर एक मशवरा और दे, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने मशवरा दिया है, आपसे अच्छा मशवरा है तो हो दे ही सकता, एक और दे दीजिए। अब आपने उसको एक्सीटोसिन दिया पहले शुरू में, अच्छा फील गुड कराया उसको, अब उससे मांगे। मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी उमेर बड़ा अच्छा सा एक वेबसाइट बना के लेकर आया, मैं आ गया भाई यार क्या बना दिया ये, तो कौन सा केमिकल रिलीज होगा? कॉर्टिजोन रिलीज हो जाएगा। तो वो अब क्या फील कर रहा है? फील बैड कर रहा है। वो तो सारा कहेगा भाई यार इतनी मेहनत करके ना साला वो पट्टी कर दी और ये आगे से गाली दे रहे। तो उसको अगर मैं करूँ यार उमेर चिकनी भाई जबरदस्त वेबसाइट है, उमेर का क्या मिला? ऑक्सीलोसिन मिल गए। अब वो क्या करेगा फील? बेटर अच्छा अब मैं उसको मशवरा दूंगा तो वो खुशी से ले लेगा या नाराज हो गए?
इसलिए सुजाना ने शुरू में बताया था सैंडविच करके बात करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह में आपको मस्का लगाना है, तमाम तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके लिए, मालिक यौमिद्दीन, फिर मस्का लगाना है, ऑक्सीटोसिन अपने लिए भी रिलीज करना है। जब आप दूसरे को देते हैं तो आप भी फील गुड करते हैं, जब आप किसी की तारीफ दिल से करेंगे, दिमाग से नहीं, मस्का नहीं लगा रहे, दिल से तारीफ करेंगे तो आप भी अच्छा फील करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं हर दफा बोले नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गुड फील करो, हम सुनने नमाज पढ़ के आ रहे, चलो पता ही नहीं क्या बोला। तो अगर सोच के बोलेंगे तो आपको हर नमाज में आप क्या फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो आप सोच के नहीं बोलते, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, मंत्र पढ़ के आ जाते हैं, मंत्र पढ़ने से तो नहीं होगा। अगर मैं सोच के कोड लिखूं और कट कॉपी पेस्ट करूं, कितना फर्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक ने कट किया हमें पेस्ट कर दिया हमारे दिमाग में, ये पढ़ लेना भाई, उसका क्या असर होगा, कद्दू। सो असर लेने के लिए समझ के उसके साथ सीरियसली बोलना है कि जी आप इतना अच्छा आपने मशवरा दिया, थैंक यू यार, यार बिलाल आप हीरो लग रहे हैं, वेरी गुड यार, लाल आप पे बहुत जचता है, मुझे भी बहुत पसंद है लाल। तो अब आप क्या फील कर रहे हैं, अच्छा मुंह से तो नहीं दिखा रहे लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना। तो मैं कहूँ यार लेकिन बिलाल यार ये वो नहीं लग रहा, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा यार, क्या ख्याल है, तो सूट वूट पहन लोगे तो अच्छा लगेगा ना ज्यादा, मैं जरूर कर लूँ। अब मैं डांट के बोलूँ वही बोलूँ तो हमें फर्क, तो इसलिए काम तो हो जाएगा लेकिन अपनी भी जिंदगी खराब होगी डांट के, और दूसरे की भी जिंदगी खराब होगी। वे ऑफ एक्सप्लेनिंग चेंज हो जाता है तो फिर बातें बहुत चेंज हो जाती है। तो आपने सुबह आके दफ्तर में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि जो मेरा आने वाला है वो ज्यादा अच्छा फील करे, बस, क्योंकि सारा गेम फीलिंग का होता है। अगर फीलिंग अच्छी नहीं है, दफ्तर आए यार क्या यार ये क्या फैला हुआ सब कुछ यार क्या है ये, तो क्या हुआ, वैसे ही साले कोर्टिसोन बढ़ गया। ठीक है, तो हमें इसी तरह जो आए उसको हक करो, आ भाई इधर आफ्ताब इधर आना यार, एक झप्पी दे दे जादू की, जादू की झप्पी क्यों बोलता है इसको, इसलिए बोलता है कि आपको बकायदा उसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, देयर इज नथिंग इंटीमेट अबाउट इट। अगर आप उसको इंटीमेसी में ले जाएंगे कि ये तो कोई सेक्सुअल चीज हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है, हमने बना दिया उसको। हम क्यों फिर ईद पे मिलते हैं, क्यों हुक्म है गले लगाने का, क्यों क्यों सवाब है इसके अंदर गले लगाने में, क्यों किसी की तरह मुस्करा के देखने में सवाब है, सदका है सबसे अच्छा सत मुस्करा के देखना। हम क्या करते हैं, ओए सलाम कर दो तो आगे से डांट, भाई तू कौन है भाई, सलाम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि सलाम सही तरह नहीं करते। तो अगेन वो दीन जिसको आप फॉलो करते हैं वो बार बार बोल रहे हैं हर जानने ना जानने वाले को मुलाकात हो तो सलाम करो। तुम कह रहे हो मैं तो इंटरवर्ट हूं मैं तो सलाम नहीं करूंगा, फिर इस्लाम तो नहीं फॉलो कर रहे ना तुम, ये तो तुम कर अल्लाह मियां गलत बता रहे हैं फिर तुम्हें। वो कह रहे हैं आपने हर जानने ना जानने वाले को सलाम पहचाना है, सलामती पहुंचानी है, और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो इंटरव्यू हूं मैं तो सलाम नहीं कर सकता। भाई आपसे दोस्ती करने को कौन कह रहा है, फेसबुक के दोस्त दोस्त नहीं होते, आपने मेरे कितने फेसबुक के दोस्त मेरे साथ हैंग आउट करते हुए देखे, वो दोस्त वोस्त नहीं होते। वो दुनिया में कोई दोस्ती नहीं, अकेले आए अकेले जाना है, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट इन द टाइम ऑफ नीड, एंड नीड्स बहुत किस्म की होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं। वो 500 फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं किसी भी टुकड़े में जाके हेल्प करते हैं, हर जगह हेल्प नहीं करते, कोई कहीं हेल्प करेगा, कोई कोर्ट में हेल्प करेगा, कोई किसी चीज़ में हेल्प करेगा। मुझे ज़रूरी आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है तो मैं पर्सनली कराता हूँ ना भाई, इससे इस बारे में बात करो, लेकिन पहले उससे दोस्ती करोगे, वो मुफ्त में तुम्हें सर्विस क्यों देगा भाई। अगर मैं तुमको रोज 5 आदमी दे दिया करूँ फेसबुक पे, यार जरा इंट्रोड्यूस कराऊँ, मैं जरा इसको गाइड कर देना हूँ, भाई क्या करूँ मैं नौकरी करूँ गाइड ही करता रहूँ सारा दिन, तो लेकिन अगर वो उस पांचों में से आगे तुम्हें बड़ा मुझको, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सर मैंने आपकी वीडियोस देखी है मजा आ जाता है देख के, इतना अच्छा समझाते हैं, उफ अब क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, अब बढ़ गया तो हाँ बेटा पूछ बेटा क्या पूछ रहे, वो आगे बोले अरे तुम्हारी वीडियो देखी थी समझ नहीं आई दोबारा बता, फिर चल भाई चल, कोर्टिसोन बढ़ जाएगा, फिर कोर्टिसोन कोर्टिसोन बढ़ जाएगा। एनी क्वेश्चंस, बहुत लंबी हो गई, आधा घंटा लगा दिया समझाने में, अभी भी नहीं पूरी आई, कितना टाइम लगाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हें भेज रहे हैं और म्यूचुअल है उसको तो ऐड कर लो, क्यों वो टेस्टेड लोग हैं,
वो ट्राइड लोग हैं कि वो अच्छे हैं, वो चूतिया नहीं बना रहे तो मैं गड़बड़ नहीं कर रहे, झूठे नहीं है, मक्कार नहीं है, जो मुझे अच्छे मक्कार लोग लगते हैं मैं उनको निकाल देता हूँ। अच्छा फिर कुछ ऐसे हैं जो कि बाकायदा टांगे खींचते हैं मेरी, ठीक है, दीन की भी टांग खींचते हैं, उनको ऐड करना ज्यादा जरूरी है। वो क्यों? उनको समझा सकें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, उनको वो समझा तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट सकें तुम्हें दिखा रहे हैं। ऐसे मेरे पास लोग हैं जो कि दीन को बहुत बुरा कहते हैं लेकिन वो तुमसे ज्यादा दीन जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है। अब आप जब उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपको दीन समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा? अभी आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से समझ रहे हैं जो कि आपके, हाँ जी हाँ बिल्कुल आप ठीक है, बिल्कुल उनको कोई खराबी नहीं किसी चीज में नजर आ रही होती। आप सॉफ्टवेयर उससे पूछते हैं मेरा कैसा वेबसाइट है, साले अपने छोटों से पूछते हो तुम, वो तुम्हें क्या बताएंगे? हमें भी बता मशवरा देंगे। उससे बहवाएंगे जो कि आपसे बड़ा हो और आपसे ज्यादा जानता हो, वरना जो उस सफर पे गया हो उससे क्या मशवरा लेंगे आप, जिसको साले को खुद कुछ नहीं पता हो? कैसे लेंगे मशवरा, खुद खुद तो नहीं मालूम। आपने लिखा मैं अपने आईटी के लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्यों? इसलिए कि आपका विजन एक्सपैंड हो, मिलने के लिए देना पड़ता है कुछ, तो एक चीज मुफ्त में दे सकते हो, क्या है? ऑक्सीटोसिन, मोहब्बत। जब आप उसको मोहब्बत पहुंचाएंगे थोड़ा सा, उसको सिंसेयरली उसको थैंक यू करेंगे, और सिंसेयरली थैंक यू आप सिर्फ जब बोल सकते हैं जब आप उसको जानते हो। तो अगर आप किसी को गूगल कर रहे हैं या आप किसी को, स्टीव वॉजनियाक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज दी यार किसी आदमी को पाकिस्तान के, वो साला कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं आया अभी, 17 साल का है। उसने स्टीव वॉजनियाक को कुछ तो बोला होगा ना जाके, कि उसने कहा अच्छा चल ठहर जा मैं तुझे ऐड करता हूँ, क्या बोला होगा उसने? और वो आदमी वो ऐसा था जिसको मैं भी ऐड करने को तैयार नहीं था। उसने अपने पर काम किया, काम किया, काम किया, काम किया, काम किया, अब उसको बात करने की तमीज आ गई। जब आपको बात करने की तमीज आ जाएगी, जो कि स्कूल नहीं सिखा रहा, किसी कॉलेज और स्कूल में आपके साथ कभी किसी ने बात करने की तमीज की क्लास नहीं ली, ठोकरे खा खा के सीखते हैं। तो मैं आपको ठोकरे खाने की तो बोलता हूँ, जब इतना मुश्किल काम है तो लोगों को ऐड करना, कन्विंस करना, दोस्त बनाना, ठोकरे खाओगे सीख जाओगे, तरस जाओगे, खूबसूरत से हीरे बन जाओगे। तो इसलिए ठोकरे खानी है कि ताकि तुम अपने आप को ज्यादा अच्छे तरह एक्सप्रेस कर सको, समझा सको, कन्विंस कर सको। मैंने कौन सी डिग्री लेकर आया, ये ठोकरे ही बता रहे, मैं तरीका कहाँ से आ रहा है, ठोकरे खा के आ रहे हैं। सर वो अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे पिक्चर चल रही थी, उसमें एक स्पीकर होती है वो सीईओ से सवाल करती है कि सर आपकी जो ये तरक्की है उसका राज क्या है। उनने कहा दो वर्ड्स, उन्होंने पूछा वो क्या, उन्होंने लगा गुड डिसीजंस, तो उन्होंने लगा कि फिर दूसरा सवाल किया कि गुड डिसीजंस कैसे लिए आपने, तो उन्होंने कहा एक वर्ड एक्सपीरियंस, फिर उन्होंने दोबारा सवाल पूछा कि एक्सपीरियंस कैसे आया, फिर उन्होंने बोला कि दो लव्स रॉन्ग डिसीजंस। जब करोगे ही नहीं तो कहाँ से सीखोगे? हम क्या करते हैं, अबे नहीं यार ये तो कभी देखा नहीं करते, कुदरत नहीं करनी, चल बैठ जा, ना खुद करते हैं ना दूसरों करने। अमेरिकन की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो कभी किसी को टोकता नहीं, कब गलत करो। अच्छा जो अमेरिकन होगा, मेजोरिटी जो अमेरिकन जो आपको खुले दिमाग का मिलेगा, हर तरह के हर जगह होते हैं, वो क्या करेगा, चलो बेटा शाबाश, यहाँ पे भी मिलते हैं वैसे पेरेंट्स, यहाँ पे भी हैं, बेटा गलती भी कोई नहीं, करो शाबाश। जैसे तुम्हारे अब्बा तुम्हें नहीं कुछ करने दे रहे, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ हमें याद दे रहे हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रही, उनको समझाना है, उनको कैसे समझाना है, उनके लिए सबसे अच्छा तुम ये कर सकते हो, उनका दिमाग खोल दो। दिमाग सबका प्लस, सिर्फ ऑक्सीटोसिन नहीं, अकेले नहीं दे सकते। अगर सब मेरे पास आ जाए, मेरे पास 7 लाख लोग हैं, सब मेरे पास रोज आ जाए ऑक्सीटोसिन दे दें, मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा ना, मेरे पास कितनी होगी ऑक्सीटोसिन भाई, कितने लोगों को मोहब्बत दूंगा मैं? तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो डिप्यूट कर देता हूँ, चलो भाई मेरे 500 दोस्त के पास चले जाते, उसके बाद आना। अब मैं हर बात आपको आराम से समझा सकता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आएगी, इनको मेरी बात अब समझ में आ रही है, नहीं शुरू में आते तो मेरी बात क्या, भाई कहाँ फंस गया मैं यार, ये होता। तो इसलिए मैं किसी को अब मशवरा भी नहीं देता, मुझसे कोई अब इनबॉक्स करके कहता है मेरा हेल्प कर दें, कहता सॉरी नाउ आई ओनली वर्क विद माई स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट कैसे बनना, पहले 500 दोस्त बनाओ जाए, तो आपके पास मैं चल के आऊंगा क्योंकि आप मेरे से लेने को तैयार हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जब आपको मेरी बात समझ में ही नहीं, मैं आप जापानीज में हूँ, हाँ हूँ हाँ करता हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगी? तो जब आपकी बेस नहीं बनी होगी तो मैं आपको समझा नहीं सकता। ये 500 दोस्त आपकी बेस बना देते हैं, वो किताबें जो मैं आपसे पढ़ने को कहता हूँ आपकी, वो बेस बना देते हैं कि मेरी बात आपको एक्सेल, मैं आपको 1 करोड़ का महीना बनाना कैसे सिखाऊं, तुम्हारी बेस ही नहीं है, किस चीज पे बिल्डिंग बनाऊं, किस
कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे, नीचे खड्डा तो खोदो पहले, काम तो करो उसमें। मैं ऊपर कैसे सिखाऊं तुम्हें, मैं जो बताऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी, कैसे बताऊं? तुम कहोगे मुझे चूतिया बना रहे, इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी बात कौन किसको कहते हैं मिथ्या बना रहे, इसलिए कि उसकी बात समझ में नहीं आती। जिसकी बात समझ में आती है, और मैं आपके साथ ये अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैंने आपको सुना है ये अल्फाज यूज करते हैं, कि आपको बोलचाल में आपकी जो है वो दोस्तों में इस किस्म की जबान चल रही होती। हम नहीं ऐसे नहीं, नहीं कहते सही, सॉरी, आप जो है वो बेवकूफ बना रहे। मेक सेंस? एनी मोर क्वेश्चन? विल यू पुट टाइम इन इट?